नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांश और एक बार फिर से मैं हूँ पतंजलि में, पतंजलि हर्बल गार्डन के अंदर। आज इस वीडियो में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं सत्येंद्र सर। सत्येंद्र सर से हम जानकारी लेंगे कि कौन सा पौधा पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। मैं इनसे आज ये जानकारी लूँगा कि कौन सा पौधा पेट के लिए, लीवर संबंधित समस्याओं के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही साथ हम जानकारी लेंगे क्या हम इस पौधे को ज़मीन में लगा सकते हैं या फिर गमले में लगा सकते हैं और लगाने का क्या तरीका होता है। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, प्रियांश और तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो मेरे से पूछ रहे हैं कि किस तरह का क्या प्लांट है, मैं दरअसल आपको ये बताना चाहता हूँ कि आम जनता ऐसी है कि गांव में भी कुछ लोग हैं कि हम क्या खाएं, क्या करें, कैसे करें, पेट अच्छे से क्लियर नहीं होता है, पेट में गर्मी गर्मी रहती है और बॉडी पे सूजन आ जाती है, लीवर कमज़ोर हो गया तो लीवर की कमज़ोरी के कारण लीवर पे सूजन आ जाती है, तो आंखें फूल जाती हैं, पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि पूरी बॉडी भी सूज जाती है किसी किसी की तो। लेकिन लेडीज़ों में सबसे ज़्यादा करके स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको महावारी के टाइम में भी स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे पेन हैं या स्वेलिंग हैं और लीवर की इफ़ेक्ट के कारण ऐसा होता है। तो उसमें मैं आज आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे पास में ये मकोए का पौधा है। अच्छा, मकोए। मकोए सोलेनम माइग्राम इसको, इसका बॉटनिकल नाम है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये मकोए है। अच्छा। और इसमें जैसे अभी ये फ्लावरिंग हो रखी है, ऐसी फ्लावरिंग के साथ में ग्रीन फ्रूटिंग भी होती है और ये देखिए इसमें फिर ग्रीन के बाद में ये इधर साइड में ये ब्लैक वाले एकदम इसमें ब्लैक ब्लैक इसके दाने हो जाते हैं। तो इसके आप दाने भी, आप ये जैसे अगर इसके फल है, अगर किसी को पेट में अच्छे से जाम लगा हुआ है ना कि पेट क्लियर नहीं हो रहा है और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, पेट फूल रहा है, यूरिन करते समय में यूरिन में भी प्रॉब्लम हो रही है, दर्द भी होता है, तो इसका सबसे बढ़िया रीज़न ये होता है कि कॉमन ये कहीं भी मिल जाती है, आजू बाजू में सड़क के किनारे या किसी भी गार्डन में, ऐसा खेतों में, ऐसा या रोड के किनारे ऐसा मिल जाता है। अच्छा। तो इसका क्या करते हैं, अगर इसका 6 से 8 इंच का पौधा है तो आप इसको निकाल करके जड़ सहित उसको धो करके पीस करके पी तो सकते जैसे हैं। अभी ये इसकी एक जो एक गोल मतलब जो बॉले में खा सकता हूँ ऐसे ही? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, खाने में मीठी मीठी होती है, हाँ थोड़ी मीठी मीठी कसैली होती है, अच्छा होता है, टेस्ट ऐसा नहीं है खराब होता है। हम इसको बचपन में खाते थे ना, छोटे छोटे अंगूर या टमाटर कह के खाते थे, ये टमाटर या अंगूर की तरह ऐसा दिखता है, उसका टेस्ट भी थोड़ा अंगूर टेस्ट के होता है जैसा टमाटर का होता है, ये काले अंगूर की तरह मेरे को नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा ही होता है। तो इसको आप है ना रोज सुबह खाली पेट और शाम को, अगर आपको ये लग से 10 से 20 ग्राम इसके ये फल मिल जाते हैं तो आप सुबह शाम दोनों टाइम में फल खा सकते हैं, वही काम करेंगे। अगर आपको फल नहीं मिल रहे हैं तो इसकी जैसे ये डंडी है, पत्ती है, फूल भी है, इसको इतना हिस्सा तोड़ करके, ये इतना इतना ऊपर का, हाँ इसको तोड़ करके पीस करके चटनी बना के पानी में मिक्स करो और सुबह खाली पेट पी जाइए। अच्छा। तो ये पेट की जो गर्मी है उसको भी शांत कर देगा और जो पेट क्लियर नहीं हो रहा है, सूजन है, लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर पे सूजन है, ये अचानक से अपना ऑटोमेटिक 2 से 3 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, तो सर चलो ये तो बात हो गई इसके बेनिफिट्स के बारे में, अब इसको लगाना किस तरीके से है थोड़ा वो बताइए, किस मौसम में लगाना है इसको? इसके लगाने का कोई मौसम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, ये ऐसा है पौधा है, ये 12 महीने 300 दिन हमेशा आपको ये मिलेगा। मतलब जंगली पौधा, जंगली पौधा है ये, हमेशा मिलता है, कहीं भी कैसे भी लगा सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में कभी कभी कुछ छोटे पौधे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो ये इसका कोई सिस्टम नहीं है, कभी भी असदावार पौधा है, मतलब फैल जाएगा चाहे बिल्कुल, बहुत अच्छे से फैला रहता है। और इसका ये भी होता है जैसे ज़्यादा बड़ा होगा, ओवर हो गया तो वो सूख भी जाता है, ऐसा नहीं सूखता नहीं है, तो आजू बाजू में उसके और बाकी के बहुत सारे प्लांट्स होते रहते हैं। इसकी तो चिड़िया जो होते हैं, चिड़िया बीज खा लेती है या कोई ऐसा पक्षी वो खाता है, कभी बीट गिरा देता है, तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे प्लांट, ये ऐसी चीज़ें आप एक बार इसको लगा दीजिए, ये खूब अच्छे से फैल जाता है। अच्छा, तो ये पौधा आपको पतंजलि नर्सरी में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप किसी और जगह से हो तो आप इसको वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो, अगर आप हरिद्वार के आसपास से हो तो आप पतंजलि नर्सरी में आके भी ले सकते हो। सर एक बार इस पौधे का नाम और बता दीजिए। इस पौधे का नाम है मकोए। मकोए और गांव की भाषा में से भवोलन, फफोटन, कई सारी चीज़ों से इसको जानते हैं और इसका बॉटनिकल नेम सोलेनम माइग्राम होता है। अच्छा, सोलेनम माइग्राम। माइग्राम, हाँ। तो सोलेनम माइग्राम इसका बॉटनिकल नेम होता है और कॉमन नेम इसका होता है मकोए। तो इन दो नामों से आप इसको नर्सरी पर सर्च कर सकते हो और अगर आप हरिद्वार से हो
तो आप इसको पतंजलि नर्सरी में आके भी ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब बहुत सारी और वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें हम काफ़ी सारे और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, और जब भी हम मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात करेंगे हमारे साथ सत्येंद्र सर ज़रूर होंगे, मेडिसिनल प्लांट एक्सपर्ट। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। पेड़ पौधे लगाते रहिए और धरती को हरा भरा बनाए रखिए।